तो पूरे दिल्ली एनसीआर में बीती रात 3 बजे से तेज बारिश हो रही है। फिलहाल कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला रुका है, लेकिन घने बादल अभी भी छाए हुए हैं और रुक रुक कर अभी भी बारिश हो रही है। कई घंटे तक बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। आपको ये भी बता दें कि शनिवार होने की वजह से सड़कों पर आवाजाही रोज के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन पानी भरने से कई जगहों पर जबरदस्त जाम लग गया है। मौसम विभाग ने पहले ही 10 बजे तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। ये तस्वीरें देखिए, लगेगा दिल्ली फिर से बनी है दरिया। रोड की तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि जो गाड़ियां हैं वो किसी रोड से क्रॉस करती हुई निकल रही हैं या किसी तालाब से। चारों तरफ पानी ही पानी, कई इलाकों में लंबे जाम की खबर है। वाटर लॉगिंग सुबह से ही शुरू हो गई थी। हालांकि गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिली है दिल्ली वालों को। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। 18 साल का रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली में। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि इसी तरह से झमाझम बारिश अगले 5 दिन और हो सकती है। लेकिन एक दिन की बारिश में दिल्ली का क्या हाल हुआ है, एक बार फिर से देखिए। दिल्ली फिर दरिया बनी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई पहली बार नहीं है। थोड़ी सी बारिश के बाद किस तरह के हालात यहां होते हैं देख सकते हैं। जखीरा अंडा पास देख सकते हैं, बैरिकेड्स लगाकर इसे रोका गया है। आजाद मार्केट की तस्वीरें देखिए, यहां पर भी अंडा पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और गौशाला अंडा पास गाजियाबाद की तस्वीरें। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं। सुशांत, अभी क्या जानकारी है, किन किन इलाकों में जैम की खबर है और अभी आप कहां मौजूद है, क्या बारिश अभी भी है वहां पर? देखिए शशि, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आज़ाद मार्केट की, और यहाँ पर अब लगातार एक बार फिर से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और चारों तरफ आपको पानी ही पानी जो है वो नज़र आएगा। ये आज़ाद मार्केट से सदर बाज़ार की तरफ जाने वाला पूरा रूट है और आपको देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर 3-3 फुट पानी जो है वो पूरी सड़कों पर भर चुका है और लगातार बारिश जो है वो जारी है। पूरे रूट को यहाँ पर बंद कर दिया गया है ताकि लोग इस तरफ ना जाएँ, क्योंकि अगर यहाँ पर जाते हैं तो लोगों को लिए खतरा जो है वो हो सकता है। और ऐसे में आपको तस्वीरें में आपको और भी दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो दुकानें हैं वहाँ पे आपको देखेंगे एक दुकानदार किस तरीके से पानी जो है वो अपनी दुकानों से बाहर निकालते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। वो देखिए कि तस्वीरों में कि किस तरीके से दुकानों के अंदर जो पानी भरा है वो लोग अपनी दुकानों से पानी जो है वो निकाल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की जो तमाम सड़कें हैं बारिश के बाद अब पूरी तरह से चौक हो गई हैं। ये आप नज़ारा देखिए। बिल्कुल सुशांत, बने रहे आप हमारे साथ। हम एक और तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए, आपको नजर आएगा किसी नदी की या बहुत दूर से समंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए एक बार फिर से, आपको बता दें कि दिल्ली के हवाई अड्डे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको यहां वहां जहाज खड़े हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि यहां पर ऑपरेशंस में काफी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। T3 टर्मिनल की तस्वीरें हैं ये दिल्ली के एयरपोर्ट की। और आपको ये भी बता दें कि लंबी बारिश के बाद इस तरह के हालात यहां पर पैदा हुए हैं। यहां पर भी फ्लाइट ऑपरेशंस में परेशानी हो रही है और मुसाफिरों को यहां पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।